नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे सामाजिक विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। क्या है प्रश्न का नाम? वनों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ, यानी कि वन मतलब आता है जंगल, जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष होते हैं, तो हमें जंगलों से अर्थात वनों से क्या लाभ होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो हमें जंगलों से दो प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जो हमें दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जो हमें दिखाई देते हैं, और अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, वह लाभ जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रत्यक्ष मतलब होता है वह घटनाक्रम जो हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, यानी कि जंगलों के वह लाभ, वनों के वह लाभ जो हमें दिखाई देते हैं वो प्रत्यक्ष लाभ में आते हैं, और अप्रत्यक्ष लाभ क्या होता है, जंगलों के वे लाभ जो अपनी धीमी धीमी गति से, चुपचाप गति से, कछुए की चाल से पूरे हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, उन्हें बोलते हैं अप्रत्यक्ष लाभ। तो एक तरफ मैंने लिख रखा है प्रत्यक्ष लाभ और एक तरफ लिखा है मैंने अप्रत्यक्ष लाभ। तो हम देखते हैं, सबसे पहला, वनों से हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है। जो आपके घर में फर्नीचर होता है ना दोस्तों, या फिर आप कारीगर के यहाँ पर जाते होंगे कि हमारे लिए बेड बना दीजिए, हमारे लिए सोफा सेट बना दीजिए, खाट बना दीजिए, फाटक बना दीजिए, खिड़की बना दीजिए, ये सब हमें वनों से प्राप्त होती है, मतलब वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे कि सागौन की, शीशम की, नीम की, बबूल की आदि की, फिर उनको आकार में ढालकर घर घर पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो वनों से हमें क्या प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है जो बेशकीमती होती है। फिर है दूसरा, सहायक उपजों की प्राप्ति, यानी कि वनों से सहायक उपज भी प्राप्त होती है, जैसे क्या है, लाख, लाख जानते हो जिसकी चूड़ियां बनती है ना, लाख की चूड़ियां, और एक कीड़ा होता है जिसको पाला जाता है जंगलों में, चमड़ा, चमड़ा प्राप्त होता है जंगलों में, आप कौन रहता है, जानवर होते हैं, जानवरों की खाल क्या होती है, मनुष्य के काम आती है जब वो मर जाता है उसके बाद, गोंद प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, कत्था प्राप्त होता है, पान प्राप्त होता है, केवड़ा प्राप्त होता है, जड़ी बूटियां प्राप्त होती है। तो यानी कि वन जो होते हैं सहायक उपजों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अब बताइए, लाख आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, चमड़ा दिखता है, गोंद दिखता है, लकड़ी दिखती है, तो ये सब क्या है, प्रत्यक्ष, जो चीज आपको दिखाई देती है वो होते हैं प्रत्यक्ष लाभ। फिर है आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री प्राप्त होती है, हमें जंगलों से क्या प्राप्त होती है, आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री, यानी कि अगर जंगल ना हो तो हमारे भारत के कई सारे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, वो धप से आकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। तो आधारभूत उद्योगों का, अगर कोई उद्योग हमें शुरू करना है तो हमें जंगलों से मित्रता अवश्य ही करनी होगी, जैसे कि बांस उद्योग, अगर हमें कागज बनाना है तो भैया बांस जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि बांस से हमें क्या प्राप्त होता है, कागज प्राप्त होता है। फिर मोम, महुआ, महुए से हमें क्या प्राप्त होता है, जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, और दारू प्राप्त होती है, मतलब शराब जो दवाइयों के काम आती है। कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, कत्था है, कत्था उद्योग प्राप्त होता है हमें इससे, ठीक है। तो आधारभूत उद्योगों के लिए कई प्रकार की सामग्री हमें कैसे प्राप्त होती है, वनों से प्राप्त होती है, जैसे कि गोंद प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है, ठीक है, कई प्रकार के, भांति भांति प्रकार के गोंद प्राप्त होते हैं हमें यहाँ से, ठीक है। फिर है वनों का प्रत्यक्ष लाभ क्या है, जानवरों के लिए चारागाह, चारागाह मतलब पहाड़ियां होती है, ठीक है, मैदानी इलाके होते हैं, इसमें जंगलों में जाकर हमारे जो पशु होते हैं वो आराम से चढ़ने जा सकते हैं सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि शहरों में तो जगह ही नहीं बची है, तो ये कहां जा सकते हैं, जंगलों में। फिर है पांचवा बिंदु है, 7.8 करोड़ लोगों को ये रोजगार देते हैं, हमारे देश के जनजाति इलाके हैं, जनजाति जो भाई हैं और अन्य जो उद्योगों के मालिक हैं, तो कितने मिलाकर है, 7.8 करोड़ लोगों को ये रोजगार देते हैं, तो ये भी इनका प्रत्यक्ष लाभ हुआ। फिर है छठा, विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि वनों से हमारे देश में क्या आता है, विदेशी मुद्रा आती है, ठीक है, यानी कि डॉलर आता है, दिनारें आती हैं, ठीक है, कैसे, मोम को, महुआ को, जड़ी बूटियों को, कागजों को, ठीक है, चमड़ा को, जब हम विदेश में भेजेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आएगा,
पैसा आता है, उनकी करेंसी आती है हमारे पास। तो विदेशी मुद्रा भंडार कैसे भरता है? वनों से भरता है। फिर क्या है, लघु उद्योगों में सहायक, ये तो थे बड़े बड़े उद्योग। अब क्या आता है, जो छोटे छोटे लोग करते हैं, जैसे कि बीड़ी बनाने के लिए वो क्या करते हैं, जंगलों पर निर्भर होते हैं, तेंदू पत्ता तोड़ कर वो बीड़ी बनाते हैं। कोई लोग जो होते हैं महुआ बीन लेते हैं, करंज बीन लेते हैं, क्या बीन लेते हैं, करंज, जानते हो करंज का तेल तो जंगलों में प्राप्त होता है। कोई गोंद तोड़ लेता है, कोई कत्था तोड़ लाता है, ठीक है। इस प्रकार उन्हें कई सारी चीजें जंगलों से प्राप्त हो जाती है, किनको, जो लघु उद्योग में लिप्त हैं, जो लोग लघु मतलब छोटे छोटे उद्योगों में लिप्त हैं, वो जंगलों में जाकर कुछ ना कुछ अपने काम की चीजें ले आते हैं और शहर में आकर बेच देते हैं, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे उनके चेहरे पर क्या आती, थोड़ी बहुत रौनक आ जाती है। ये हमने भी जंगलों में, पहले जब हम छोटे छोटे थे तो हम जंगलों में बीनने के लिए जाते थे, महुआ बीनने जाते थे, अरंडी बीनने जाते थे, करंज बीनने जाते थे, ठीक है। तो जब हम उन्हें बेचते थे और बिना कुछ किए धरे दोस्तों के साथ बातें करते हुए गए, उनको बीन के लिए आते थे, और जब यहाँ पर आके किसी दुकान पर बेचते थे, जब हमें पैसे मिलते थे, तो देखो कितना उत्साह आता था, ऐसा लगता था कि दिवाली, दशहरा, ठीक है। फिर आठवां, 670 करोड़ रुपए वार्षिक आय मतलब हमारे भारतीय सरकार को प्राप्त होती है, काय से, वनों से। तो ये रहे इसके प्रत्यक्ष लाभ जो आपको दिखाई देते हैं। अब है आपके अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष मतलब जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जो वृक्ष होते हैं, जो जंगल होते हैं, ये अपनी धीमी गति से इसको पूरा कर देते हैं कछुए की चाल से। मिट्टी के कटाव में कमी करते हैं, जो वन होते हैं ये मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने में रोकते हैं कि तुम यहीं रहो, तुम इधर उधर मत जाओ। तो क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव में कमी करते हैं, तो मिट्टी का कटाव इससे कम होता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। फिर जलवायु को सम बनाए रखते हैं, जो वृक्ष होते हैं ये कछुए की गति से जलवायु को सम बना के रखते हैं। जैसा करते हैं ना, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, तो ये जंगलों के कटने से हो रहा है ऐसा सब, ठीक है। जहां पर वृक्ष अधिक होते हैं तो जलवायु को क्या करते हैं, समान, ना तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज्यादा ही ठंड पड़ती है, समान बनाए रखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, बाढ़ रोकने में सहायक होते हैं और वर्षा में सहायक होते हैं। जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष क्या होते हैं, बाढ़ रोकने में सहायक होते हैं। जो वृक्ष होते हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जंगल होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे नदी की जो बहाव धारा होती है उसको क्या करते हैं, मोड़ देते हैं दूसरी दूसरी दिशाओं में, तो पानी क्या होता है, इधर उधर फैल जाता है। और ये जो जड़े होती है, धीरे धीरे क्या करते हैं, बाढ़ के जल को सोख लेती है। फिर क्या है, वर्षा में भी सहायक होते हैं, जहां पर अधिक जंगल होते हैं वहां पर वर्षा भी अधिक ही होती है। फिर क्या चौथा, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, ठीक है। यानी कि हमारे देश के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा था अगर आपको भारत देश को रेगिस्तान बनाने से रोकना है तो अधिक से अधिक आपको क्या लगाने होंगे, वृक्ष लगाने होंगे। तो देखो रेगिस्तान के प्रसार पर रोक करते हैं, ताकि जैसे कि ये राजस्थान है, क्या है, ये राजस्थान है और ये क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब राजस्थान से क्या आएंगी, धूल भरी आंधी आती है, रेगिस्तानी धूल भरी आंधी आती है मध्य प्रदेश में। अगर ये डायरेक्ट यहां पर आ जाए तो मध्य प्रदेश का बहुत सारा इलाका 10-20 साल में क्या हो जाएगा, मरुस्थल। परंतु अगर हम यहां पर क्या लगा देंगे, पेड़, क्या लगा देंगे, पेड़, तो ये मरुस्थल जो ये जो आंधियां आती है, धूल भरी आंधियां, ये छिन्न भिन्न हो जाएंगी और ये मरुस्थली जो रेत है वो इधर आने से बच जाएगी। तो इसलिए कई सारी चीजें क्या हो जाती है, सुरक्षित हो जाती हैं, ठीक है। रेगिस्तान बनने प्रसार और O2 की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि अधिक से अधिक वन होंगे तो पर्यावरण पर, धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और हमें कई सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। फिर जल वृद्धि एवं प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने में सहायक होते हैं। जो वृक्ष होते हैं ये अपनी जड़ों के द्वारा जल को सोख लेते हैं, और जल कहाँ चल जाता है, तराई में, और तराई के द्वारा कहाँ जाता है, हेडपंपों में, कुओं में और तालाबों में, इनमें आ जाता है, मतलब जमीन के तलहटी में ये जल जाकर इकट्ठा हो जाता है। काय के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, जो हमें पता भी नहीं चलता, उसको ट्यूबवेल के द्वारा हम खींच सकते हैं। फिर प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं, किसी पहाड़ी स्थल पर या फिर किसी जंगल के स्थान पर जो मंदिर होता है, तो वहां पर जाने में हमें बड़ा ही आनंद आता है, वहां पर पिकनिक मनाने में, सावन के झूले झूले में, वहां पर बड़ा ही आनंद आता है। एक बिल्डिंग के कुंदों में झूला डाल के देखना आप, और एक जंगल में जाकर एक झूला डाल के देखना,
और उसमें झूलना, तो बताना फिर मुझे आप कहां पर सबसे ज्यादा आनंद आता है। फिर ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है उसको ये बढ़ाते हैं, क्योंकि पेड़ कई प्रकार के होते हैं, महुआ के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, शीशम के होते हैं, बरगद के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अब जब वसंत ऋतु आती है तो ये क्या करते हैं, अपने पुराने पत्तों को त्याग देते हैं। ये पुराने पत्ते कहाँ आके गिर जाते हैं, जमीन में आके गिर जाते हैं। जमीन में जो क्रिया होती है, उलट पुलट की क्रिया होती है, ये पत्तियों को सड़ा देते हैं। मतलब एक प्रकार जमीन को बैठे बिठाए क्या मिल जाती है, खाद। क्या मिल जाती है, खाद। क्योंकि पत्तियों में भी कई प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जब सड़ गल जाती है, पदार्थ खाद बन जाती है, तो जो हम उनमें कोई पेड़ पल्लवित करेंगे, उपजाएंगे, तो उनको क्या मिलेगा, पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। तो ये है वनों से प्रत्यक्ष लाभ और ये है अप्रत्यक्ष लाभ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा।